हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, मैं जो है आज बताने जा रही हूँ मैट फेयर फाउंडेशन के बारे में, ठीक है? और ये देखिए, इसकी कुछ इस तरह से पैकेजिंग है, आप ये देख लें। मैट फेयर लिक्विड फाउंडेशन है ये, और ये बहुत ज़बरदस्त है। इसकी एक्सपायरी डेट भी मेंशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये फेयर में है मेरे पास। अच्छा, इनका जो फेयर कलर है ना, वो थोड़ा सा डल है। ये भी मैं आपको इसकी पैकेजिंग भी दिखाती हूँ। फ़िलहाल ये मिस रोज़ का, ये इसका ऐसे बॉक्स है, तो इसकी मैं अंदर से भी आपको भी पैकेजिंग दिखाती हूँ ओपन करके, ठीक है? तो चलो फिर हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसे कुछ इस तरह से अंदर से 37 ml की है मैट वेयर लिक्विड फाउंडेशन, मिस रोज़ का प्रोफेशनल, वो आई थिंक लिक्विड लिखा हुआ था शायद। तो 12 month के अंदर अंदर आपने इसको यूज़ करना, अगर आप इसे ओपन कर लेंगे। बस ये एक्सपायर नहीं होता, मैंने ये देखा हुआ है। तो बस ये सारा पढ़ लीजिएगा, कुछ इन्होंने लिखा हुआ है इंग्लिश में भी है, और कुछ बाकी कोई और लैंग्वेज में भी लिखा हुआ था। बाय द वे, ये प्रोफेशनल मेकअप के लिए। तो अब जो है मैं आपको इसके स्वेचेस दिखाऊंगी, ठीक है? ये कैसे हैं आप, फिर आपको पता चलेगा कि इसके स्वेचेस कैसे हैं। फ़िलहाल मुझे जो है ये अच्छा, ये जो मेरा हाथ जला हुआ था, मैं उसी पे करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लगेगा। आज मैंने जो वीडियो है ना, मैंने फ्लैश ऑन करके नहीं की, क्योंकि सब मुझे कहते हैं फ़्लैश ऑन करके करती हैं तो हमें तो हर प्रोडक्ट अच्छा लगता है, लेकिन नहीं, बल्कि फ़्लैश ऑन करके पता चलता है कि प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं है। तो इसका ये इसकी कवरेज देखें, इसकी जो कवरेज है अच्छी कवरेज है इसकी, ठीक है? लेकिन ये कि ये आपके जो हैं दाग धब्बे वगैरह वो नहीं छुपा सकते। चलो थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी करके दिखा देती हूँ आपको, ठीक है? ये देखें आप, हाँ जी ये देखें। अच्छा, इसकी ना जो कवरेज है ना, इसकी कवरेज जो है वो मीडियम है, इसकी कवरेज बहुत हाई कवरेज नहीं है, इसकी मीडियम कवरेज। और वो देखिए, मैंने आपको बताया ना, ये फेयर कलर ज़रूर है, लेकिन ये जो है फेयर में ना थोड़ा सा मुझे ना डार्क टोन लग रहा है। जैसे कि आपका कलर अगर बहुत फेयर है तो आप प्लीज़ ये बाय मत करें। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, अगर आपका कलर बहुत ज़्यादा फेयर है तो आप इसमें ये फेयर कलर मत ख़रीदें, और आईब्रो दूसरे तो बिल्कुल भी मत ख़रीदिएगा, क्योंकि अगर ये इतना डार्क है तो वो वाले तो फिर बहुत ज़्यादा होंगे। ये जैसे कि जिसकी मीडियम है वो ख़रीद सकते हैं।